हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं कि राहु अपना फल कैसे देता है। तो राहु के जो फल के नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो बहुत सिंपल हैं। एक तो वो जिस हाउस में बैठा है उसका फल देगा, ठीक है। अब जिस हाउस में बैठा है उसका राशि भी होगी, तो जिस राशि में वो बैठा है उसके स्वामी के फल देगा जो उसका लॉर्ड है। जैसे सपोज़ मान लीजिए राहु एरीज़ में बैठा है, तो एरीज़ का जो लॉर्ड है वो मार्स है, तो वो मार्स के भी रिजल्ट देगा। तो नंबर वन, राहु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस की जो लॉर्ड है, राशि का जो लॉर्ड है उसके फल देगा। दो फल तो राहु के ये डेफिनेटली हो गए। तीसरा फल राहु तब देता है जिस ग्रह के साथ वो बैठा हुआ है। अगर किसी ग्रह के साथ अगर कोई और प्लैनेट उस ग्रह उस हाउस में है राहु के साथ, तो राहु उसका भी फल देगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट नियम है राहु का वो ये है, जो ग्रह राहु को देखता है राहु उसका फल देता है। तो इस तरीके से राहु का जो फल है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई आसान फल नहीं है राहु का। तो किसी भी हाउस में अगर राहु है तो उसका फल ऐसे पता करते हैं। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि राहु के रिजल्ट बड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं और एक साथ सब कुछ होता है। आपको राहु जो बता रहा है, कभी कभी राहु बहुत सारे हाउसेस एक साथ बताता है, तो वो कई हाउसेस के रिजल्ट्स एक साथ देता है। क्यों? क्योंकि जो राहु है वो आपने समझ लिया कि बड़ा कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देगा। दो रिजल्ट तो उसके है ही हैं, एक जिस हाउस में है और एक जिस उसका जो हाउस का लॉर्ड है उसका। तीसरा ये है कि जितने प्लैनेट उसे देख रहे हैं उसका रिजल्ट देगा वो, और जिन प्लैनेट्स के वो साथ में हैं उनका रिजल्ट देगा। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है राहु का कि कभी कभी बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो अगर आप सिंपल शब्दों में कहो तो राहु बड़ा जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देता है कि व्हीकल के परचेस को बता रहा है और एक्सीडेंट को भी बता रहा है। तो व्हीकल परचेस भी कराएगा आपका और एक्सीडेंट भी कराएगा। तो इस तरीके से बड़ा जो है वो कई इवेंट्स कराता है राहु की जब दशा चल रही होती है। तो इस तरीके से ये राहु का फल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको राहु कैसा फल दे रहा है, तो आप पता कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।